हाय, मैं मोहम्मद आफ्ताब। आज आपको कक्षा 12 ट्वेल्थ के लिए यूपी और सीबीएसई दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाया हूँ। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस पर जरूर से कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि कैसा वीडियोस है। और यूपी बोर्ड के लिए ये कंफर्म है, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिए गए चित्र में ज्ञात करना है आपका। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये है, एक न्यूमेरिकल्स है। तो गिवन डेट वैल्यूज में हम दिया है, क्या क्या मैम दिया है इसके बारे में लिख लेते हैं। चित्र के अकॉर्डिंग चले तो हमारा आर दिया है 40 ओम, और आपका एल दिया है 16 हेनरी, और आपका यहाँ पे सी की वैल्यू दिया है जो कि दिया है 40 माइक्रो फैराड। तो इसको हम बदल लेते हैं, फैराड में बदल लेते हैं। तो 40 × 10 के पावर हो जाएगा -6 फैराड। तो ऐसे वैल्यूज। और फिर उसके बाद एक चीज है जो यहाँ पे दिया है, भी इक्वल टू आपका दिया है 100 sin ωt, सॉरी 100 sin 500t की तुलना करते हैं, की तुलना हम करते हैं भी बराबर भी जीरो sin ωt से। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है भी नॉट की वैल्यू जो कि 100 वोल्ट होगी, 100 वोल्ट, तथा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पा जाएंगे, ओमेगा इक्वल टू 500। 500 ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका है कोणीय वेग है। तो ये आपका हमको मिल गया रेडियन पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज मुझे पता हुआ, अब हमको क्या निकालना है। पहला क्या बोला है, पहला दिया है प्रतिबाधा यानी जेड निकालने के लिए। और एल सी आर का जो प्रतिबाधा होता है, प्रतिबाधा वो आपका जेड इक्वल टू होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पूरी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक्सएल और एक्स सी की वैल्यू अलग अलग करना होगा, आपको पता होगा। परंतु एक चीज बहुत आराम से जानते होंगे आप, परंतु जो ओमेगा, सॉरी जो एक्सएल है वो ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यूज 500 है, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 16। तो 16 × 25 = 80 यानी 8000, 8000 ओम आपका वैल्यूज आया, 8000 ओम। ऐसे ही हम एक्स एक्स सी निकाल लेते हैं। एक्स सी इक्वल टू 1/ωc होता है, 1/ω की वैल्यू 500 है, और जो सी की वैल्यू निकला है वो है 40 × 10^-6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व पहले कर लेते हैं, या एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10^6, और ये हो जाता है, इतना, या ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, 100/2, 50 ओम आपको मिल जाएगा। देखिए एक्स सी और एक्स एल निकालने से फायदा क्या हो रहा है देखो बच्चों, क्योंकि हमको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में निकालना है। तो आपका जेड निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू क्या, कुछ कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 40 मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 40 का 40 का स्क्वायर प्लस ओमे, यहाँ पे जो एक्सएल की वैल्यू मैंने फाइंड किया था, एक्सएल की वैल्यू है 8000,
8000 और आपका एक्स की वैल्यू है 50, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो जेड की वैल्यू आ जाती है, यहाँ हो जाएगा 4×16 प्लस ये आप घटाते हैं तो 7950 आता है। इनको आप इनका स्क्वायर आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा एक चीज, इसको हम दो बार गुणा करेंगे, दो बार स्क्वायर करेंगे तो इसके सापेक्ष बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जेड की वैल्यूज जो होता है ये नियर अबाउट, अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये 8000 आता है, 8000 ओम आता है, नियर अबाउट समथिंग कुछ भी हो पर नियर अबाउट कैलकुलेशन यहां तक करते हैं तो 8000 के आसपास आता है। ये पहला कैलकुलेशन हुआ, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके अब चलते हैं अगला स्टेप, जो शक्ति गुणांक निकालना था बी, शक्ति गुणांक जिसे कॉस फाई कहा जाता है। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस फाई इक्वल टू यहाँ पे आर बाई जेड होता है फार्मूला, आर बाई जेड, और हम कॉस फाई निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यूज यहाँ से 40 है और जेड की वैल्यू नियर अबाउट 8000 हमने निकाला है, कैंसिल हुआ, ये आपका नियर अबाउट 0.005, इसका कोई मात्रक नहीं होता, शक्ति गुणांक 0.005 के नियर अबाउट आएगा। इसके बाद इसका थर्ड स्टेप जो है, यानी तीसरा, इसको निकाल देते हैं, तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, तीसरा स्टेप पे ये बोल रहा है कि हमें धारा का शिखर मान निकालना है, यानी धारा का शिखर मान एलसीआर परिपथ की धारा का शिखर मान, तो सी निकालेंगे एलसीआर परिपथ की धारा का शिखर मान, जो शिखर मान होगा यानी आई नॉट, तो हो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, जैसे ओम का नियम होता है बीसी के अकॉर्डिंग करेंगे, पर ये एलसीआर परिपथ की बोल दिया है तो भी बराबर, जैसे भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है तो आई इक्वल टू होता है ना आई नॉट इक्वल टू भी नॉट बाई आर, पर यहाँ प्रतिरोध ना होकर प्रतिबाधा काम करेगा, इसलिए भी नॉट बाई जेड, ठीक है बच्चों, क्योंकि पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो जेड है। और भी नॉट की वैल्यू कितनी आई है 100, वी नॉट की वैल्यू यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 था और जेड की वैल्यू 8000 नियर अबाउट 8000। ये दो डबल क्वेश्चन 1/80 या फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000×10⁻³ मान में कुछ और बाई 80, तो ये आपका नियर अबाउट देखा जाए तो 12.5 आएगा, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो आपका यहाँ पे तीनों मान हमने निकाल दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ही आप पढ़ते जाइए और न्यूमेरिकल्स लगाते जाइए, पूरे यूपी बोर्ड्स में अच्छा से अच्छा नंबर पाइए, यही हमारा दुआ है, आशीर्वाद है। पर हाँ प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और आफ्ताब सर का वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और हमारे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करते जाइए। ओके बाय बाय।